सुजानगढ़ की छापर रोड पर स्थित मेगा हाईवे तिराहे पर भूमिया जी महाराज के मंदिर पर भव्य ज्योत के बाद महाआरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। उसके बाद रात्रि जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गणेश वंदना के साथ शुरू हुए रात्रि जागरण में अनिल सेन, दौलत कोरवा ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां दी, जिस पर श्रद्धालुगण झूमने पर मजबूर हो गए। भूमिया जी महाराज मित्र मंडल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सोनू राजस्थानी के नेतृत्व में परंपरागत भजनों पर नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। इसी प्रकार भगवान शिव, गणेश, बालाजी महाराज आदि की मनोरम झांकियां भी जागरण के दौरान सजाई गई। रात्रि जागरण की व्यवस्थाओं को सफल बनाने में गणेश जाट, पार्षद प्रतिनिधि अमजद खान कायमखानी, सुभाष मंडा, कालूराम बिरडा, रामचंद्र गोदरा, कालूराम बाबरिया, पवन पारीक, राजूराम मणि, श्याम गुलेरिया, कृष्णाराम गुलेरिया आदि लोगों ने योगदान दिया। टाइम से 40-50 सालों से चलता है और ये आगे भी चलता रहेगा और भूमिया जी महाराज हमारी सारी करते हैं और करते रहेंगे। छापर तिराहे पर भूमिया जी महाराज का विशाल जागरण का आयोजन किया गया है, जिसमें गायक कलाकार अनिल सेन द्वारा भजनों की प्रस्तुतियां दी गई और सोनू राजस्थानी और उनके साथियों द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। और यह जागरण लगभग 50 वर्षों से किसानों द्वारा लगाया जाता है और आगे भी इसी तरह लगाया जाएगा। सुजानगढ़ शहरी क्षेत्र में दोपहर बाद आई राहत की बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दिलाई है। रुक रुक कर हुई बारिश से बाईपास रोड पर कई जगह सड़क दरिया के रूप में नजर आई, जिससे वाहन चालकों को पानी से होकर निकलना पड़ा। रेलवे फाटक संख्या 2 से बाल भारती स्कूल की ओर जाने वाली गली पर बने नाले में खुला गड्ढा होने के कारण एक महिला इसमें गिर गई, जिसको लोगों ने वापस हाथों हाथ निकाल लिया। मुकेश जांगिड़, निरंजन भार्गव आदि लोगों ने इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ खुला नाला हर वक्त दुर्घटनाओं और जनहानि को आमंत्रण दे रहा है, क्योंकि बारिश के पानी से सड़क भर जाती है और खुला नाला नजर नहीं आता, जिसके कारण लोग इसमें गिरते हैं। लोगों ने मांग की है कि इस खुले नाले को तुरंत प्रभाव से बंद करवाया जाकर जनता को राहत प्रदान की जावे। ये नाला यहाँ से खुला पड़ा है, इसमें एक महिला गिर गई थी, महिला को हम लोगों ने मिलकर निकाला। ये नाला हमारे को बहुत तकलीफ है, इधर बाल भारती स्कूल है, बच्चे आते जाते रहते हैं, कभी कोई गिर गया जान की गनी में तो हो जाएगी। ये बरसात के अंदर दिखता है नहीं बिल्कुल, कोई भी इधर से जाएगा अंदर गिर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। हमारी मांग यही है खाली, इस नाले को पैक कराएं, बंद करवाएं। प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत गांधी बस्ती स्थित अंबेडकर भवन में लगे शिविर के प्रथम दिन नगर परिषद प्रशासन द्वारा 10 पट्टे जारी किए गए हैं। नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि तीसरे चरण के तहत शिविर में सभापति नीलोफर गोरी ने 10 आवेदनकर्ताओं को पट्टे सौंपे हैं। सभापति नीलोफर गोरी ने शिविर में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के तहत आम लोगों के नियमानुसार पट्टे जारी किए जा रहे हैं। आयुक्त कमलेश मीणा ने शहरवासियों से अपनी भूमि के ज्यादा से ज्यादा पट्टे बनवाने की अपील की। इस अवसर पर पार्षद ओम प्रकाश योता, पार्षद प्रतिनिधि अमजद खान कायमखानी, इरशाद गोरी, सहायक अभियंता दिलीप सिंह, वरिष्ठ प्रारूपकार उदय सिंह गुजर, सहायक नगर नियोजक प्रेम कंवर, कनिष्ठ लिपिक धनराज गोदरा, लोकेश चांगिड़, रामलिया जाट, हिमांशु तोनवाल, लोकेश गुजर, मोहित सेठी सहित नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इसी प्रकार उपखंड अधिकारी मूलचंद लोनिया ने पहुंचकर अम्बेडकर भवन में लगे वार्ड नंबर 1, 3 और 59 के लोगों के लिए आयोजित इस शिविर का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। खाद्य पदार्थ की जींसों पर 5% GST लगाने के विरोध में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार संघ एवं राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर 16 जुलाई अर्थात शनिवार को व्यापार क्रय विक्रय पूर्ण रूप से बंद रखा जाएगा। सुजानगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप तोदी ने बताया कि प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत खाद्य सामग्री की दुकानें बंद रखकर इस नीति का विरोध जताया जाएगा। दूसरी ओर किराना व्यापार मंडल, किराना एवं खाद्य व्यापार मंडल ने भी बंद में सहयोग करने की अपील खाद्य पदार्थ विक्रेताओं से की है।